क्या मिल रहा है यहाँ पे, किस चीज़ के लिए लाइन लगी हुई है। सवेरे 4:30 बजे की एक आंटी ने सबसे ज़्यादा बहसबाजी में लगी हुई है, नींद भी नहीं अच्छे से आ रही। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को भी। तो मॉर्निंग में निकला था अभी, क्या बोल रहा, सॉरी, मॉर्निंग वॉक के लिए। एक थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखाऊं, ये देखिए, एक साथ मतलब ये इस साइड आप देख रहे हैं चांद यहाँ पे, और इस साइड देख रहे हैं आप उगता सूरज, मतलब दोनों एक साथ। तो दोस्तों, मैं हो गया था आज ऑफिस के लिए लेट, तो मैंने डाले हैं रात को हरे मूंग भिगोने के लिए, तो उतना मेरे पास टाइम था नहीं दाल चावल बनाने का, तो सोचा क्यों ना अभी जल्दी से हेल्दी सी डाइट बना लेते हैं। तो मैंने प्याज और टमाटर के कर दिए छोटे छोटे टुकड़ों, और हरे मूंग जो होते हैं ना, इसको जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन ग्राम, और ये होते हैं प्रोटीन और फाइबर इसमें दबा के होता है, और कहा जाता है कि ये वेट लॉस के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो और इसको कहा जाता है कि अभी जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, वेजिटेरियंस होते हैं उनका चिकन भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन इसमें बहुत होता है। तो ये देखिए, मैंने इस पे नमक थोड़ा सा डाल के इसको किया मिक्स, और इस तरह से शेक करके इसको मिक्स करके अपना इसको हम खाएंगे। प्रोटीन हमने ले लिया, हेल्दी डाइट हो गई, और इसके बाद हम चल पड़ेंगे ऑफिस के लिए। आप भी ऐसे बना सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो, और काफ़ी टेस्टी लगता है। गुड मॉर्निंग सभी को भी, आप सभी को स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पमासा ब्लॉग्स में, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने प्रियजनों के साथ तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं कर दू जाना नहीं, मैं मांगू दुआ। इसको छोड़ गई इसकी फैमिली यहीं पे, भाई रो रहा है बेचारा, ये 7-8 भाई बहन थी। पूरी फैमिली यही थी, आज इसकी अकेला रहा है यहाँ पे, बाकी फैमिली कहाँ गई पता नहीं, ढूंढनी पड़ेगी सारी। चल आ जा, और है इसकी फैमिली वहां पे सामने, रो रहा है बेचारा तब से। चल 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 चल, ये रही इसकी फैमिली यहाँ पे, और इसकी मामा, अरे इसके भाई बहन, ये हो गया बंदा खुश हवा आ गया यहाँ पे, और देखो भाई, और ये सबसे गोलू मोलू सबसे क्यूटी भाई, इन सब में से ये सबसे क्यूटी भाई है, ये दोनों शैतान। मिल गया इन सब, हैप्पी लो जी, हैप्पी हैप्पी हो गया ये। चलो भाई, ये हो गई फैमिली इकट्ठी सारी। तो मैं आया था अभी पठानकोट, एक्चुअली आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्क्रैप मार्केट। अच्छा, यहाँ पे आया था मैं गाड़ी का साइलेंसर देखने, एक दो और चीजें कठुआ से, पर वो मिली नहीं, आने का फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हर चीज़ आपको मिल जाएगी, और मतलब एक तरह से ना, अगर नई चीज़ आप लोगे तो कम से कम 7-8 हज़ार की होगी, तो वो यहाँ पे आपको 1000 या 2000 का वो पार्ट मिल जाएगा। जैसे गाड़ी के डिक्की के शॉकर है, ऑनलाइन आप चेक करोगे पेयर जो है उनका, वो 1500 शायद 1100 या 1200 का, और यहाँ पे 300 में मिल रहा है मेरे का, तो फ़ायदे की बात जी। तो जिस काम के लिए मैं आया था पठानकोट, वो काम हुआ नहीं। या तो मैंने लिए डिक्की के शॉकर, या मतलब शॉकर एक खराब था, ऑनलाइन देखा तो ऑनलाइन मेरे 1100-1100 का है, और यहाँ पे मिल गए मुझे 300 रुपए की, 300 का पेयर, मतलब सीधा सीधा 800 रुपए बच गए। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो इसलिए भी कभी भी गाड़ी का कुछ भी काम कराना है, शोरूम या मार्केट, नई चीज़ लेने से पहले, ठीक है, कई लोग प्रेफर करते हैं नई चीज़ ही लेना, बाकी अगर आपने पैसे बचाने और बहुत सारे पैसे बचाने हैं, तो आप हमेशा जाओ स्क्रैप मार्केट में, जैसे चंडीगढ़ में बुड़ैल की मार्केट है, ठीक है।
ठीक है, कोई भी ऐसी व्हीकल स्क्रैप मार्केट होती है वहाँ पे आपको हर गाड़ी का अपना स्पेयर पार्ट है, चाहे बम्पर है कुछ भी, अभी सस्ते से सस्ते दाम पे मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया आपका जो बाहर आपको नई चीज़ जो है वो आपको 5,000 की पड़ेगी, तो स्क्रैप मार्केट में आपको 1,000 रुपये की वो पड़ जाएगी। और जैन अरे भैया सामने आप देख सकते हैं, अभी ये अमृतसर है यहाँ से 104 किलोमीटर, जम्मू 103, उधमपुर है 174 किलोमीटर। तो मुझे दिखे भाई यहाँ पे नान, नान छोले वाला काफ़ी टेस्टी होती है। अच्छा तो अभी खाते हैं नान, क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया था, हल्का फुल्का किया था। अभी नान खा के हमने कर लिया पेट पूजा, और काफी दिनों से एक चीज मैं चाह रहा था लेने की, वो भी चीज आज फाइनली मुझे मिल गई। तो मैं बताता हूँ आपको, ये बेच रहे हैं भगवत गीता, आज का दिन बेकार भी नहीं बोल सकते, पर हाँ जिस काम के लिए मेन में आया था वो काम नहीं हो पाया, बस इस बात का गम है। बाकी एक और चीज़ जो जिसके चीज़ के लिए मैं खुश हूँ कि मेरे को जो मिली है, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था उस चीज़ को लेने के लिए, और फाइनली शायद कह सकते हैं कि शायद वो बहाना लगा कि यहाँ पे आने के लिए गाड़ी का काम कराने के लिए, कि वो चीज़ के लिए मुझे स्पेशल है यहाँ के जो मिल गई, और वो है ये भगवत गीता। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था अभी ख़रीदने के लिए, बहुत समय से। तो आज का दिन रहा ओके, और अभी मैं आ गया हूँ वापस पठानकोट से, और अभी मैं खड़ा हूँ, एक्चुअली पठानकोट को मैं शॉर्टकट आया यहाँ से कठुआ के लिए, मैं वाया जो लखनपुर बॉर्डर है वहाँ से होके नहीं आया, पर ठीक है मेरे पीछे देख सकते हैं ब्रिज यहाँ पे। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ भी एक्सप्रेस वे, जो दिल्ली से कटरा तक का जो नया एक्सप्रेस वे है, जिस जो यानी 700 किलोमीटर अप्रॉक्स 700 किलोमीटर जिसकी लंबाई रहेगी, और उस एक्सप्रेस वे को बनने के बाद आप दिल्ली से अमृतसर सिर्फ 4 घंटे में पहुंच सकेंगे, और दिल्ली से कटरा के लिए सिर्फ 6 घंटे लगेंगे। और मैं ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे बिल्कुल चला हुआ है काम, अंडर कंस्ट्रक्शन अभी एक्सप्रेस वे का, और ये कनेक्ट होगा बहादुरगढ़ से, बहादुरगढ़ तक यानी कनेक्ट कर रहे हो, बहादुरगढ़ से सीधा अमृतसर टू कटरा, मतलब काफ़ी इजीली हो जाएगा अमृतसर और जम्मू वालों के लिए दिल्ली से आना जाना। तो गडकरी जी का यही तो एक कमाल है अभी, जब से वो मतलब ये काम उन्होंने संभाला है, पूरे देश में जो एक्सेसिबिलिटी है ना, मतलब जो रोड का जो है ना इजी अप्रोचबिलिटी, यानी आप क्या बोल सकते हो, मतलब इतने जहाँ पे भी आप जाएँ, मतलब जहाँ पे पहले घंटों लगते थे, इजीली आप 4 लेन 6 लेन हाईवेज बन रहे हैं, और ये हाईवे भी जो एक्सप्रेस वे है ये 4 लेन बनेगा, और इट विल बी एक्सपेंडेबल टू 8 लेन्स, और शायद देखते बहुत जल्द ये पूरा हो जाएगा। वो देखिए वो चल रहा है एक्सप्रेस वे का काम, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे वर्क इन प्रोग्रेस, गौशाला यहाँ पे कितने सारे गौ माता है, और स्क्रैप व्हीकल्स भी आप देख सकते हैं, बाइक्स देख लीजिए, जो सीज किए गए व्हीकल्स हैं ढेर लग रहा है ढेर। तो इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म, और उम्मीद करते हैं भाई आज का व्लॉग आपको पसंद आए, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद व्लॉग्स देखते हैं, हमारे चैनल उन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपका शॉर्ट्स के ऊपर मिल रहा है, और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पर भी। और चलिए इसी के साथ करते हैं व्लॉग को यहीं पर ख़त्म, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियोज़ को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें। जय देव।